हेलो प्यारे बच्चों आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और यह है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर ट्वेंटी एट शेड्यूल टू बी डन ऑन फोर्टीन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर क्लास टेंथ स्टूडेंट्स टूडेज वर्कशीट इज बेस्ड ऑन योर चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जैसा कि आपको पता है ये उन्होंने खुद अपनी जो सेरेमनी थी नॉग्रल सेरेमनी थी स्वेयरिंग ओकेजन था तब उन्होंने ये स्पीच दी थी और उसका एक पार्ट एक एक्सट्रैक्ट आपके चैप्टर का दिया गया है read it carefully and answer the questions that that follow in life every man has twin obligations obligations to his family to parents to his wife and children and he has an obligation to his people his community his country तो बेटा हर किसी की लाइफ में दो जिम्मेदारियां हैं दो ऑब्लिगेशंस हैं हम सभी की लाइफ में तो हर व्यक्ति के लाइफ में जो ऑब्लिगेशन है वो दो कौन सी एक है जो उसके फैमिली के उस प्रति है उसके फैमिली उसके पेरेंट्स उसके वाइफ उसके बच्चे और एक ऑब्लिगेशन है जो हमारी है समाज के प्रति हम समाज के लोग हमारी समाज हमारा राष्ट्र तो ये दो ऑब्लिगेशंस इन सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज़ ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़ तो एक सिविल और एक ह्यूमन सोसाइटी जो है एक जो नॉर्मली सभी लोग अपनी ये दो ऑब्लिगेशन्स को फुलफ़िल कर पाते हैं एज पर देर इंक्लिनेशन उनका झुकाव जितना है उनकी क्षमता जितनी है उसके अनुसार वो अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन्स तो यहाँ पर बेटा क्या कहा गया लेकिन कंट्री ऐसा राष्ट्र जो साउथ अफ्रीका है उसमें ये बिल्कुल भी पॉसिबल ये इम्पॉसिबल था ये संभव ही नहीं था कि मेरे जैसा व्यक्ति मेरे जैसा जो व्यक्ति यानी यहाँ पर कलर से बोला गया आपको पता है कि वहाँ पर ह्यूमन डिजास्टर यानी कि अपार्ट के बारे में बात की गई थी तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति है डार्क स्किन पर्सन है तो वो अपनी ये दो ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर सकता इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग यहाँ मैन ऑफ कलर का मतलब है बेटा डार्क स्किन क्योंकि अपार्ट हिड में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अंडर जो डार्क स्किन लोग थे उनको नॉर्मली बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रिस्ट्रिक्टेड थी तो यही कहा गया है कि वो अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बींग वॉज़ पनिश्ड एंड आइसोलेटेड अगर नॉर्मली ह्यूमन बींग की तरह वो जीना चाहते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था उन्हें अलग कर दिया जाता था इन साउथ अफ्रीका मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल और वह व्यक्ति जिसने कोशिश की अपने अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए वॉज इन वे एविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स फोर्स टू लिव लाइफ अपार्ट तो उसको अलग कर दिया गया उसकी फैमिली से यानी कि उसको प्रिजन में डाल दिया गया और उसको अकेले वहाँ पर अपनी लाइफ जो है वो व्यतीत करनी थी अ ट्विलइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन आई डि नॉट डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली शुरू में ऐसा नहीं था शुरू में मैंने जो है अपनी फैमिली से ऊपर किसी को नहीं माना था उन लोगों को अपनी सोसाइटी को उससे ऊपर नहीं माना था बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल लेकिन जब मुझे समझ आया कि मुझे अपने लोगों की को सर्व करना है उनकी सेवा करनी है आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन लेकिन जब मैंने राष्ट्र के बारे में सोचा तो मेरी जो जिम्मेदारी थी मैं एक पुत्र के नाते एक ब्रदर के, ब्रदर फादर एक पिता के नाते एंड एक हस्बेंड और एक पति के नाते जो मेरी जिम्मेदारियाँ थी मैं उनको पूरा नहीं कर पाया आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री मैं इस हंगर के साथ इस भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था कि मुझे आज़ाद होना है मुझे इसका एहसास ही नहीं था आई वॉज बॉर्न फ्री फ्री इन एवरी वे हर तरह से मैं फ्री था पूरी फ्रीडम थी दैट आई कुंड नो जितना मुझे पता था उन चीज़ों के बारे में फ्री टू रन इन द फील्ड अपने नियर माई मदर्स हट आसपास जो घर के पास जो खेत थे उनमें बड़े आराम से मैं इधर उधर भाग सकता था जो मेरी माँ के झोपड़ी के पास थे फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम जो पानी है साफ पानी जो घर के पास नदी है शायद उसमें मैं बड़े आराम से उसमें तैर सकता था एंड दैट रन थ्रू माई विलेज उस विलेज से उस जो है उस गाँव से निकलने वाली नदी है उसके अंदर वो स्विम भी करते थे फ्री टू तो रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइट द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स तो ये कह रहे हैं कि कैसे चा चा जो तारे हैं उसकी रोशनी में वो अपनी मील्स को भी कर सकते थे रोज और उसके साथ साथ वो जो बुल्स हैं जो बैल हैं उनको भी स्लोली मूव करने के लिए जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको बता रहे हैं कि किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कब तक एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर जब तक कि मैंने अपने पापा की बात मानी अब I did by the बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब अपने ट्राइब के जो लोगों के जो कस्टम्स थे जो रीति रिवाज थे जिस हिसाब से हमें गाइड किया गया उसको मैंने माना आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ़ मैन और गॉड मुझे कोई परेशानी नहीं हुई कोई भी व्यक्ति के बनाए हुए कानूनों से या किस भगवान के थ्रू मुझे कोई भी ऐसी परेशानी नहीं मिली वॉट डिड अब देखिए क्वेश्चन हैं जिनके आपको आंसर देने हैं वॉट डिड वन थिंक अबाउट फ्रीडम इन चाइल्ड हुड तो चाइल्ड हुड में उन्होंने क्या कहा चाइल्ड हुड में आई वॉज़ बॉर्न फ्री इन एवरी वे तो चाइल्ड हुड में तो उन्हें कोई आइडिया नहीं था किसी चीज़ का तो इट इज़ अ ड्रीम नहीं यहाँ फ्रीडम की बात हो रही है कि फ्रीडम को को क्या समझते थे इट वॉज़ मेंट फॉर एडल्ट नहीं वो सभी के लिए थी इट ही वॉज़ बॉर्न फ्री क्योंकि वो जब तक अपने फादर की बातों में उनके कहने में उनके जो ट्राइबल जो ट्राइब से थे वो उसके कस्टम्स को मानते रहे तब तक उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई तो यहाँ पर बेटा ये आएगा ही वॉज़ बॉन्ड फ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कम्प्लीट द फॉलोइंग तो देखिए बेटा यहाँ पर हमें ये करना है कि इससे मैचिंग कौन सा वाला वर्ड है जो हमारे ऑप्शन में है वो हमें बताना है तो देखिए फर्स्ट है डेप्थ गहराई हाइट्स ऊंचाइयां गहराइयां डेप्स हाँ ऊंचाइयां तो यहाँ पे क्या है अपोजिट वर्ड्स चल रहे हैं एंटोनिम्स चल रहे हैं एवर्जन एवर्जन का हो जाएगा बेटा इंक्लिनेशन एवर्जन का मतलब क्या होता है किसी ऐसी चीज़ को देख के जिसको आपको आप डिसलाइक करते हो आप उससे दूर हो जाते हो आप उसकी तरफ रुझान नहीं है आपका और उससे अपोजिट क्या है इंक्लिनेशन जब कहीं ना कहीं रुझान होता है उसकी तरफ झुकाव हो जाता है तो उसका अपोजिट है ये यह, तो यहाँ आ जाएगा इंक्लिनेशन नाउ रीड द गिवन कोड्स केयरफुली एंड विच वन डज नॉट कन्वे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्स्ट्रैक्ट तो सेंट्रल आइडिया ऑफ एक्स्ट्रैक्ट बताना है पूरे चैप्टर का नहीं बताना पहले तो ये ध्यान से देखेंगे और दूसरा सेंट्रल आइडिया इसमें हमें हमारे चैप्टर का पता चलेगा अ रिबेलियन इज नॉट अ रिवोल्यूशन इट मे अल्टीमेटली लीड टू दैट एंड तो यहाँ कहीं ना कहीं विद्रोह के बारे में बात हुई है और यहाँ पे हमें उन्होंने कहा है डज नॉट यानी कि ये नहीं है इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट है इट डज़ नॉट टेक अ मेजॉरिटी टू मेक अ रेबेलियन इट टेक्स ओनली अ फ्यू डिटरमाइंड लीडर्स एंड अ साउंड कॉज तो यहाँ पे ये है कि हमें एक साथ मिलके यूनिटी का कहीं ना कहीं बता रहे हैं तो ये आपका यूनिटी के बारे में है तो अभी हम देखिए बेटा मेजॉरिटी इट डज़ नॉट टेक अ मेजॉरिटी टू मेक अ रेबेलियन ज़्यादा नहीं लगता है रेबेलियन होता है विद्रो करने में टू टेक इट टेक्स ओनली अ सिर्फ कुछ लोग जिनका दृढ़ विश्वास है वो आपके साथ अगर होते है तो आपका कॉन्फिडेंस बनता है फ्यू डिटरमाइंड लीडर्स चाहिए हमें जो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सके अब देखिए बेटा इसके बाद जो है नेक्स्ट है द थिंग वर्स देन रिबेलियन इज द थिंग दैट कॉजिज रिबेलियन तो जो विद्रोह है उससे भी जिस चीज़ के कारण विद्रोह हुआ और उसके बाद वो चीज़ जो है वही उसका कारण बनती है तो इसके बाद है बेटा इन द मिड्स ऑफ क्या देयर इज़ आल्सो अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ये जो हमारा कोर्ट है वो हमारे उससे रिलेटेड नहीं है तो आप डज नॉट यहाँ पे पूछा था कि जो रिलेटेड नहीं है सेंट्रल आइडिया से वो हमें करना है तो यहाँ आएगा द इन द मिड्स ऑफ काज क्योस देर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी वॉट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ तो बेटा हमारे पास ट्विन ऑब्लिगेशन या डायरेक्टली इसी में ही पता चल रहा है तो मैंने इसलिए नहीं लिखा अब देखिए वॉट आर द टू ऑब्लीगेशन क्या हैं तो वो टू ऑब्लीगेशन हैं ये देखिए आपका ये आंसर है एवरी मैन हैज एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन ऑब्लीगेशन टू फैमिली हिज पेरेंट्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन and he has an obligation to his people community and his country to ye aapka answer number 4 hai iske baad dekhiye beta question number 5 to so, question number 5 hai aapka देखिए यहाँ पे तो आ गया twin obligation कि आपका है? एक सोसाइटी family के प्रति obligation है और दूसरा है society, play, people, community कम्युनिटी इनके लिए तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव में अ मैन ऑफ कलर इन साउथ अफ्रीका वॉज नॉट फ्री हाउ तो वह व्यक्ति अ मैन ऑफ कलर यहाँ पर किसको किया है डार्क स्किन पीपल को यहाँ से रेफर किया है इन साउथ अफ्रीका देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे क्या था वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी कॉल्ड अपार्टेड और उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का नाम क्या है अपार्ट हेड इन विच डार्क स्किन पीपल डिन नॉट हैव एनी राइट्स जिसमें डार्क स्किन है जिन लोगों की जो काले हैं जो उनको कोई राइट नहीं है सो अ मैन ऑफ कलर इन साउथ अफ्रीका वॉज नॉट फ्री तो इससे क्या पता चलता है कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसका स्किन कलर डार्क था तो वो क्या है वो तब तक वहाँ फ्री नहीं थे जब तक कि नाइनटीन नाइन्टी फोर में मंडेला जी वहाँ पर प्रेजिडेंट नहीं बने तब तक उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम्स को खुद भी फेस किया अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर ऑलवेज मेंटेन द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और टू यार्ड्स एंड टू फाइट अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन वी आर अ मास्क थैंक यू हैव अ नाइस डे